अंकित बताएं आज कौन सा शेयर आपने चुना है। निम्पी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डेरिवेटिव एक्सपायरी के चलते बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन पीएसयू बैंक्स में से कैनरा बैंक काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी करके मुनाफा कमाया जा सकता है। जो लक्ष्य निकल कर आया वो 305 रुपए का, जो स्टॉप लॉस लगा रखना होगा वो 273 रुपए का। अगर चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पर शेयर काफी ज्यादा आकर्षक है, एक अच्छे खासे पैटर्न में नजर आ रहा है। जब हमने जानकारों से बात की तो उनका भी मानना था कि इस शेयर में इस मौजूदा स्तर पर निवेश किया जा सकता है। जो जिस तरह से अगर बात करें अगर उसकी आंकड़ों की, तो डेरिवेटिव आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो अप्रैल फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और मई फ्यूचर में ताजा खरीदारी देखने को मिली। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से बात करें तो मई फ्यूचर के अंदर लगभग 13% का ओपन इंटरेस्ट का इजाफा होते हुए हमें दिखाई दिया है। और साथ साथ देखें, जिस तरह से एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद बाजार में काफी ज्यादा लगाई जा रही है, तो उसके चलते इस तरह की एक रिपोर्ट भी निकल कर आई है सीएलएसए की कि पीएसयू बैंकों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगर एनडीए की सरकार आती है या कोई भी स्थिर सरकार आती है तो पीएसयू बैंकों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलेगी, ऐसा कई ब्रोकरेज हाउस का मानना है। तो आज के लिए कैनरा खरीदारी की सलाह, जो लक्ष्य निकल कर आया वो 305 रुपए का है। ठीक है, 305 के टारगेट के लिए केनरा बैंक में आप ट्रेड ले सकते हैं। कल हमने बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपके सामने रखा था, कल क्लोजिंग होते होते बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम आया, आज भी उन बढ़ने वाले शेयर्स में शामिल है जहां पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। इसलिए ट्रेड भले आपको इंट्राडे मोमेंटम एकदम से तो नहीं देगा, लेकिन हाँ, ये पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से हमने आपके सामने रखे। ये आप देख पा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा आज करीब 17 रुपए का बेनिफिट कल के ट्रेड के मुकाबले, और कल जिस रेट पे दिया था कल इसकी क्लोजिंग भी करीब 3 से 4 रुपए ऊपर थी जिस रेट पे हमने आपको ये बताया था। तो कुल मिला के 20 से 22 रुपए आपके 2 ही दिन के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बने हैं। हमारा इसमें टारगेट भी 800 के जस्ट ऊपर ही रखा था, 805 से लेकर 820 तक के बीच में। अब आप देखेंगे इसके अंदर मोमेंटम आ गया, केनरा बैंक के अंदर भी यही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डेरिवेटिव एक्सपायरी, इस चीज को भी कैलकुलेट काफी हद तक किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल।